हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम गाइस। तो ये हमारा आईपी एड्रेस का 7th पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रिमोट असिस्टेंस के बारे में। तो गाइस, इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको फर्स्ट से और 6th पार्ट तक अच्छे से पहले आपको देखना होगा, तब ये पार्ट आपको अच्छे से आ पाएगा। ओके, तो रिमोट असिस्टेंस क्या चीज़ होता है? हम लोगों ने जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिमोट डेस्कटॉप। उस केस में हम लोग किसी के भी पीसी का डेस्कटॉप अपने पास उठा लेते थे, बट इस केस में उसका पीसी लॉग ऑफ हो जाता था। बट इसमें अगर हम किसी के सिस्टम को उठाएंगे तो दोनों बंदे एक टाइम पर काम कर सकते हैं। इट्स मीन कि कोई भी आपका पीसी लॉग ऑफ नहीं होगा, ठीक है? तो ये कैसे होगा? सेम पार्ट 5 में हमने इसके नेटवर्क को डिज़ाइन किया हुआ है। इसका आईपी एड्रेस है 11.0.0.1 और ये हमारा अगला पीसी है, एंड इसका आईपी एड्रेस है 11.0.0.2, ठीक है? तो दोनों पिंग हो रहे हैं, देख लेते हैं एक बारी पिंग। और 11 की रेंज में 2 हमारा आईपी एड्रेस था और पिंग होने लगा, ठीक है? अब हमें इस सिस्टम का रिमोट डेस्कटॉप रिमोट असिस्टेंस करना होता है। तो क्या होता है कि एक सेटिंग होती है और जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होती है। वो सेटिंग क्या चीज़ होती है? आप जब माइक कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, रिमोट सेटिंग पर आते हैं, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला अलाउ रिमोट असिस्टेंस, इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता ही है, तो ये टिक आपका होना ही चाहिए। ओके, आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा, अब इस पीसी पर आप आएंगे, कमांड आती है MSRA, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट असिस्टेंस। इस पे आप आ जाएंगे, ओके पे आ जाइए, और सामने अभी हमारे कुछ ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है स्टार्टिंग में। ओके, आप आएंगे इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, इस ऑप्शन पर आएंगे हम। एक फाइल हमारी सेव होगी, तो वो फाइल इनविटेशन फाइल होगी। हमने कहा ठीक है जी, ऐसे वो सेव हो जाएगी फाइल। फाइल कहाँ पर सेव हो? आई जस्ट सेलेक्ट एज अ डेस्कटॉप, अदरवाइज जो भी आप चाहें, गिव एनी नेम। तो आई जस्ट गिव नेम इनविटेशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है इसमें। ओके, ये एक फाइल सामने एक तो ओपन हो गई है, और ये एक पासवर्ड और एक ये विज़ार्ड सामने हमारे ओपन हो गया है। तो बस हमने पहले एक फोल्डर को बनाना होगा। आई जस्ट मेक अ फोल्डर एंड गिव एनी नेम, आई गिव नेम 1, 2, 3, और इस इनविटेशन फाइल को इसके अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, ठीक है जी? और ये जो पासवर्ड है, इसको कॉपी राइट क्लिक करते ही सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप इस फोल्डर के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जाकर न्यू ऑप्शन पर आएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आएंगे, इस फाइल के अंदर आएंगे, और जो पासवर्ड था हमारा, आपने उसे पेस्ट किया जाकर, और सेव दिस फाइल, ठीक है? जब इतना काम हो गया, तब इस फोल्डर को हमें शेयर करना होगा, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये कैसे शेयरिंग होता है। शेयरिंग ऑप्शन पे आएंगे, एडवांस शेयरिंग पर आएंगे, और यहाँ पर शेयर दिस फोल्डर पे आ जाएंगे, परमिशंस पे आ जाएंगे, फुल कंट्रोल पे आ जाएंगे, ओके ओके एंड ओके क्लोज, ठीक है? आफ्टर दैट, अब जब ये इतना काम हो गया, इस विज़ार्ड को आपको क्लोज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने क्लोज़ किया तो फिर एवरीथिंग इज़ ऑफ। अब आप अगले पीसी में आओगे, जिस पीसी से आपको उठाना है, अभी हम लोग अपने उसमें आगे जाकर हैं, और डेटा ऐसे हमारा ये शेयरिंग हो जाता है 0.0.2, ठीक है?
सामने ये जो इसका इस वाले पीसी का यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन आएगी इस वाले की, जिसका आपको डेटा उठाना है। हम आते हैं और इसका यूज़र नेम है पंकज नाम से, हमने इसको बनाया हुआ था। एंड गिव द पासवर्ड, आई जस्ट गिव द पासवर्ड। जो फोल्डर हम लोगों ने शेयर किया था वो सामने हमारे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारी पासवर्ड की फ़ाइल थी इसको हमने ओपन किया और पासवर्ड को कॉपी किया, ठीक है। और इनविटेशन फाइल को हमने ऐसे क्लिक किया था, और इनविटेशन फाइल जब ये ओपन हो जाएगी पासवर्ड को इसके अंदर पेस्ट कर देना जाकर, और ओके, ठीक है। ओके होते ही ये सामने यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा, बट जो अगला पीसी होगा उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये पीसी आपसे से कनेक्ट होना चाहता है, क्या आप इसे अलाउ देते हैं। हमने कहा यस। यस करते ही इसका ग्राफिक वहाँ भी सामने ओपन होकर आ जाएगा। सामने देख लीजिए, विंडोज़ रिमोट असिस्टेंस, ये सामने ओपन हो चुका है अब। बट क्या है कि अभी यू कैन ओनली सी। अगर आप चाहते हैं कि इसके माउस को कंट्रोल करके आप कोई भी काम अपना कर सकें, तब उस केस में आपको ये जो आपका रिमोट असिस्टेंस वाला ऑप्शन आया, आपको रिक्वेस्ट कंट्रोल करना होगा। और जो आपका क्लाइंट होगा उसके पीसी पर ये अपने आप से शो होना शुरू हो जाएगा, बट इसमें अभी हमारा काम नहीं होगा, आपको उस पीसी पे आना होगा। एंड यस। यस होते ही अब देखिए आप जो काम इस पर हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, आई जस्ट फिट इट। ये उस क्लाइंट का पीसी है, और ये जो हमारे पीसी में रिमोट असिस्टेंस है। अब देखिए मैं इसके अंदर हूँ, माउस में जो भी काम हो रहा है वो सब इसमें भी शो होगा। तो अब सेम टाइम पे दोनों बंदे अपना अपना काम कर पाएंगे, और बट माउस का काम सिर्फ एक ही बंदा कर पाएगा और अगला उसको देख पाएगा। तो ये हमारा रिमोट डेस्कटॉप का अगला एडवांस होता है कि इसमें लॉग ऑफ नहीं होता है, और इसमें क्लाइंट आप क्या क्या काम कर रहे हो यू कैन सी। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अब आखिरी में, ये मेरा चैनल है बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज, गाइज प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक अपलोड किए हुए हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।